हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं बीजी टिप्स। तो आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है और इससे आप अपनी अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप केवल 20,000 रुपये महीने भी कमाते हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ भी है, स्टूडेंट है, तो आप केवल 20,000 रुपये भी कमाते हैं तो आप कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, यह मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो पूरी वीडियो को देखते रहो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर से जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए, कंपाउंडिंग के लिए मैंने इधर 4 स्टेप दे दिए हैं। तो सबसे पहले स्टेप समझ लीजिए। पहले स्टेप सारा है कि अगर आप 20,000 रुपये पर महीने कमाते हो, यानी पर मंथ आप 20,000 रुपये कमा लो तो बहुत है, आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो जब आप रिटायर होगे, क्योंकि सरकार ने अब रिटायरमेंट के पैसे को बंद कर दिया है। लेकिन आप खुद से इन्वेस्ट करके, खुद से सेव करके आप अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अगले 30 से 40 साल में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 30 से 40 साल में अच्छी, जब आप रिटायर होगे तो कैसे आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कम से कम आपको करोड़ों का एकदम फायदा होने वाला है, केवल आपको छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। और आप बड़ी अमाउंट, आपको बताता हूँ मैं कैसे कंपाउंडिंग वजह से बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको करना है 20,000 रुपये, आपको अगर महीने कमाते हो तो बहुत है, इनफ है। आपको 10% 20,000 रुपये में से आपको हर महीने सेव करने हैं, यानी कि 2,000 रुपये आपको पर मंथ आपको सेव करने हैं अपनी इनकम में से। ये अपना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपना कि हर महीने 2,000 रुपये सेव करने के बाद आपको उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर महीने सेव सेव कर करके आपको 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक पूरे तक आपको 24,000 रुपये सेव कर लेंगे। 24,000 रुपये आप पूरे महीने में, पूरे साल में, पूरे साल में आप और सेव कर लोगे। और चौथा स्टेप अपना यह है कि लास्ट में आपको सेव मनी जो करनी है वो स्टार्टिंग से मंथली कर देनी है, मंथली स्टार्टिंग आपको सेव कर देना है मनी को, यानी जैसे ही आपकी तनख्वाह आपके आती है भाई बैंक में, तुरंत आप 2,000 रुपये उसमें से निकालें और अपने सेविंग में डाल दें, यानी सेविंग अकाउंट की नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको बताऊँगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 2,000 रुपये बचा रहे हो, 24,000 रुपये आप हर साल बचा रहे हो, तो उस पर आपको करना क्या है। अगर आपको हर साल 15% भी अगर आपको मिनिमम मिलता है आपको इन्वेस्टिंग का रेट, मैं आपको FD में या सेविंग अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करने की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उधर तो 6 से 4% से 7% मिलता है FD में, और 4% के आसपास मिलता है सेविंग अकाउंट में। आपको म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में इधर कह रहा हूँ, इसकी आपको नॉलेज नहीं है तो इससे पहले मैंने शेयर मार्केट की एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आपको देख लेना है, उससे आपको शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके फरमाइश करो, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और अच्छी बनाऊंगा और उसमें कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे थे कंपाउंडिंग की, तो हम 15% के अगर 24,000, यानी कि हर साल हमको 15% भी रेट के हिसाब से इन्वेस्टिंग का आपको रेट मिलता है। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर ROI अगर 15% मिलता है तो आपको 3600 रुपये होगा 24,000 के, यानी कि 3600 रुपये आपको हर साल 15% के रेट से मिल जाएंगे। अब आपको 24,000 और 3600, अब आप क्या करोगे कि 24,000 हमने बचाए, उस पर 15% हमको ब्याज मिल गया, यानी कि इंटरेस्ट मिल गया, 3600 रुपये हो गए। तो ये आपको क्या करोगे, पैसे को आपने बैंक से निकाला और जेब में रखे और खर्च कर दिए, तो आप ये करोगे। और आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको 2,000 रुपये हर महीने सेव करने हैं, लेकिन उनको खर्च नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले हैं, क्योंकि रिटायरमेंट सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन हम खुद से अपनी वेल्थ क्रिएट करेंगे, तकरीबन करोड़ों में जाएगी ये वेल्थ, आपको बताऊंगा मैं अभी। आप 24,000 उसको देखकर आपको करना क्या है, 24,000 जो आपके इन्वेस्ट पहले से ही है एक पूरे साल के, उस पर 15% आपको जो ब्याज मिला है उन दोनों को प्लस करके आपको 27,600 रुपये आपके आ जाएंगे। दोनों को प्लस कर देंगे, 24,000 + 3600, इन दोनों को आपने प्लस कर दिया तो हो गए अपने 27,600। तो ये अपनी 2020 में थी कि एक साल हमने इन्वेस्ट किया 2020 में, 3600 रुपये हमको इंटरेस्ट मिल गया। तो अब आपको 2021 में करना क्या है, 2021 में जो आपको इंटरेस्ट मिला था आपके प्रिंसिपल अमाउंट के संग, दोनों को आपको जो 27,600 मिला था, अब इसको आपको खर्च नहीं करना है कि सेव हो गया तो खर्च करते हैं, इसको आपको फिर से री इन्वेस्ट करना है। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, री इन्वेस्ट पर री इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट री इन्वेस्ट, आपको खर्च नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है,
यानी कि 15% फिर 17,600 पर। तो 15,17,600 का होगा 4,140 रुपए 2021 में। तो आपको फिर 2022 में फिर उसको खर्च नहीं करना है आपको, क्योंकि इसको सेव करना है। क्या हर महीने आपको 2,000 रुपये सेव करने हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर के अमाउंट पर। तो आपको 27,700 + 4,040 दोनों मिलके हो गए 31,740। भाई देखो 24,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 31,740 हो गए 2 साल में, यहाँ से ज्यादा कम 31,740 यानी 7,000 रुपये का प्रॉफिट। ये तो आपको बैंक भी नहीं देगी जो आपको कंपाउंडिंग दे रहा है। तो आपको सोचना है नहीं कैसे आपको इसका, मैं आपको वीडियो में जो आपको चल रहा है इसमें आपको फोटो भेज दूंगा, आपको फोटो दिख रही होगी जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आप, मैंने एक पूरा कैलकुलेट किया था कि अगर आप 2060 तक इन्वेस्ट करते हो, यानी 2020 है, अगर 2060 तक इन्वेस्ट करते हो, यानी कि अगर कोई बच्चा आप अगर 20 साल के भी हो और आप 40 साल के बाद रिटायर हो जाओगे 2060 में 60 साल के होकर, तो आपको 40 साल में कितने इन्वेस्ट करना है और कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। वीडियो को देखते रहो। तो 27,600 + 4,140 को प्लस करके हमने 31,740 कर दिया। तो भाई अब इसको भी खर्च नहीं करना है, इस पर भी आपको इन्वेस्ट करना है। क्या 15% को इन्वेस्ट करके 31,740 पर अब 2022 में इन्वेस्ट फिर कर देना है। तो फिर आपका भाई ऐसे करते करते 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 और 2020 से भाई अपने 2030 तक मैंने सीधे राउंड फिगर में लिख दिया है अपना हो जाएगा ये इतना 97,090 यानी 97,090 रुपये तकरीबन 97,000 अपने हो जाएंगे। अपने अपने पास कितने रुपए थे जो अपने एक साल में इन्वेस्ट किए, 97,090 और ये केवल अपना एक साल का, भाई केवल एक साल का प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि हमने केवल एक साल 24,000 रुपये इन्वेस्ट किया थे। हर साल नहीं किए हैं अभी, तो बस एक साल किए हैं और एक साल के 24,000 रुपये अगले 10 साल बाद हमको कितने हो गए, 97,000। तो अब आप सोचो कि एक साल में हम जब 24,000 इन्वेस्ट किया है, तो जब हम 2020 में जैसे हमने 24,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम 2030 तक 24,000 ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो कितने हो गए, 24,000 × 10 हो गए 240,000। जब आपको 10 साल में 24,000 रुपये इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना कितना 97,090 को अगर अपन 24,000 में से घटाएं अप्रॉक्स, तो ये अपने हो जाएंगे 73,000 यानी कि एक साल की अमाउंट को इन्वेस्ट करके 73,000 अपन ने कमाए अगले 10 साल के बाद। तो अगर आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपने 2,40,000 इन्वेस्ट किए तो अपन को मिल जाएंगे 7,30,000 रुपये। क्या भाई 7,30,000 यानी कि अगर आप हर साल 24,000 इन्वेस्ट करते हो तो भाई 7,30,000 रुपये अपन को मिलेंगी। और अपन ने 10 साल में कितने इन्वेस्ट किए, केवल 2,40,000। अपन को मिलेंगे कितने 10 साल के बाद, 7,30,000 रुपये। 7,30,000 भाई बहुत ही बड़ा अमाउंट है और ये तो कुछ भी नहीं, अभी 10 साल का है। और इसको भी अपन 7,30,000 को फिर 15% फिर उसके भी 15% करते 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 अगले 2060 तक आपको बताऊं कि कितना होगा। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, आप देखना कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और आप 2060 में कितने रुपये कमा सकते हो। तो भाई 2060 में यानी कि 2060 में आपको जो अमाउंट मिलने वाला है वो है ये 4,909,998। अब आप इसको मजाक समझ रहे होगे, लेकिन मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ अभी, तो चल रहे हैं आपकी वीडियो में जो स्क्रीनशॉट उसको देखो, उसमें मैंने खुद ने कैलकुलेट किया है कि कितने हो सकता है। तो इसको आप आराम इंग्लिश में देखें तो 4,90,99,981 हैं ये आपके 4 करोड़ रुपये अगले 40 साल में। यार आप 20 साल के हो, 2,000 रुपये केवल 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट करने, आपने पहले सोचा होगा अभी 2-4 मिनट पहले कि 2,000 रुपये से क्या होगा इन्वेस्ट करके, लेकिन 2,000 रुपये अगले 40 साल के बाद आपको कितने हो जाएंगे, 4,90,99,981 रुपये यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में ले दो 4,90,00,000 यानी कि तकरीबन 5 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये अपने हो जाएंगे। अब इसको मैं हम अगर आप 60 साल के हो गए तो अब आपके पास अगर कोई स्रोत भी नहीं है अपने पैसे कमाने का, रिटायर हो चुके हो आप बिल्कुल ही, तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप 20 साल और जिए यानी कि 80 साल तक आप जिए, तो 80 यानी कि 2 साल 20 साल के अपने 12 महीने के हिसाब से हो गए 240 महीने यानी कि आप रिटायर होने के 240 महीने और जिए, यानी कि आपकी लाइफ चलती रही और आपको कोई स्रोत नहीं है पैसे कमाने का, आपको घर में बैठ के बस पैसे कमाना है, तो ये आपको जो पहले आपने इन्वेस्ट किया 40 साल तक वो आपके अब काम आने वाला है। अब आपको खर्च करना है उसको, आपने 20 साल तक इन्वेस्ट 40 साल तक इन्वेस्ट किया है, अब आपको उसको 20 साल में खर्च करना है। वो कैसे, अब आपको दिखाता हूँ।
इतनी बड़ी अमाउंट को आपको मैंने 240 से डिवाइड किया है, आप भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, कोई आपको झूठे दिखा रहा हूँ, तो आप 204,583 रुपये पर महीने कमाओगे। और करना क्या है, कुछ नहीं, घर पे बैठना है, 204,583, यही है कंपाउंडिंग की पावर। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को दुनिया का आठवां अजूबा कहते हैं, आप गली नेट पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही मजबूत है और बहुत ही बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि अगले 40 साल में आप करोड़पति होने वाले हो, करोड़पति। अगर आप 20,000 रुपये 40 साल तक कमा रहे थे, 20,000 रुपये महीना, और रिटायर होने के बाद आप कमाने वाले हो 2,00,000 रुपये, यानी कि पूरे 10 गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं आपके रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट से पहले कमाए थे 20,000, रिटायरमेंट के बाद कमाओगे 2,00,000 रुपये, तो कितना बड़ा कंपाउंडिंग की वजह से आपकी वेल्थ में परिवर्तन आया है। तो भाई यही था कंपाउंडिंग की पावर, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी अगर आपको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर ऐसे कुछ बिजनेस की आइडियाज चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिनको भी कंपाउंडिंग का पावर नहीं पता है। आपको ये बैंक में जाओगे, कहीं भी जाओगे, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में बिल्कुल भी, क्योंकि मुझको इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है मुझको, लेकिन मैं आपको फ़ायदा करवा रहा हूँ। आप 204,000 रुपये कमाने वाले हो अगले 40 साल के बाद, और आपको केवल इन्वेस्ट करना है 2,000 रुपये, केवल 2,000 रुपये। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलती है अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।